तो भाई ये है जेटवॉश से कार क्लीनिंग की नई टेक्निक जो नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए जब पिछली बार मैंने इस तरीके की वीडियो डाली थी कि भाई ये मशीन लगती कितने की है, कहां से लगवा सकते हैं, वो भी डिटेल आपको बताने वाला हूं। अभी मेरे दोस्त हैं उदय ढिल्लो भाई, हमारे में एक कस्बा पड़ता है हसनपुर, वहां पे उन्होंने ये मशीन अपनी जो है जेटवॉश वाली सेटअप की है और मात्र 200-250 रुपए में गाड़ी की धुलाई भी हो जाती है, ड्राई क्लीन भी हो जाती है और अंदर से वैक्यूम से भी साफ हो जाती है, वो भी एक एक्साइटिंग तरीके से। आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। अगर आपको जरा सा भी कोई सवाल है आपके मन में कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं आपका प्यारे चैनल मोटोजिप। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फटाफट से मैं आपको बता दूं, ये जो दो मशीनें यहाँ पे रखी हैं, जो ब्लू कलर वाली है ये तो है हमारी ड्राई क्लीनिंग वाली मशीन, और जो ऑरेंज कलर की है ये वैक्यूम क्लीनर है। इसके जरिए अंदर से गाड़ी को पहले तो वैक्यूम क्लीनर से जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल या फिर कोई नमकीन वगैरह कुछ भी चीज़ हमारी गाड़ी में रह गई है वो साफ़ की जाती है। मैं आपको अगर इस वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर दिखाऊं तो ये देखिए कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें भी आराम से अपने अंदर, मतलब सब कुछ हमारी गाड़ी में अगर कुछ रह गया है, कुछ गिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसका है और बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी की सफाई हो जाती है। अब बात करते हैं ड्राई क्लीनिंग की, तो यहाँ पर देखिए हमारे अभिषेक भाई जो हैं ये कर रहे हैं गाड़ी को साफ। तो ये यहीं से एक केमिकल निकलता है सीट वगैरह को लेकर, या जो आपकी छत है, रूफ रेल है, या फिर आपकी डिग्गी के अंदर, बूट के अंदर जो हमारा मैट पड़ा होता है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं इस ड्राई क्लीनिंग मशीन के थ्रू। भाई साहब अलग ही फील आती है ड्राई क्लीन कराने के बाद गाड़ी की। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसमें मैं आपको बताऊं तो गाड़ी लगती है हमारी जाके जो हमारी ऑटोमेटिक जेट वॉश मशीन है उसके नीचे, और नीचे जाने के बाद, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपकी गाड़ी को जो नीचे से है इंजन बे वगैरह है जो नीचे की साइड से है, कई जगह आपने डग देखे होंगे तो वहाँ गाड़ी को उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे से जेटवॉश का जो प्रेशर है इसके थ्रू देखिए पूरी गाड़ी नीचे की तरफ से मिट्टी वगैरह कचरा वगैरह अगर लगा है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है और इसका प्रेशर बहुत तेज़ है। उसके बाद ये क्या करते हैं दोस्तों, जो ये मैनुअल वाला जेट स्प्रे है इसके थ्रू जो गाढ़ी मिट्टी हमारी गाड़ी के मडगार्ड्स में चिपक जाती है, जैसे आप देखेंगे बरसात का मौसम है या मेरी गाड़ी में लगी हुई है, उससे जो मोटी मिट्टी होती है, कीचड़ होती है, उसको ये साफ कर देते हैं ताकि हमारी गाड़ी के जो मडगार्ड के इनसाइड है कहीं पर किसी तरीके का कचरा ना रह जाए। ये देखिए बिल्कुल क्लीन यहाँ से हो गया है सब कुछ। और इसके बाद जो प्रोसेस है, पहले हमारी गाड़ी के ऊपर इस तरीके से जेटवॉश लगेगा, जेटवॉश लगने के बाद जो फोम होता है, वॉशिंग फोम होता है, वो स्प्रे किया जाएगा हमारी गाड़ी के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कोई भी खतरनाक केमिकल किसी तरीके का नहीं होता है और कार पेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी यार, काम जो है हमारी गाड़ी धुलाई का वो बहुत ईजी और 10 से 15 मिनट में गाड़ी वॉश होकर मिल जाती है, और वो भी बिल्कुल किफ़ायती रेट में। मैं आपसे कहूँगा 250 रुपये में भाई साहब इस तरीके की वैक्यूम क्लीनिंग हो गई, आपकी गाड़ी ड्राई क्लीन हो गई और जेट वॉश का एक्सपीरियंस। इसके बाद ये गाड़ी के मैट वगैरह साफ करते हैं और बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आपकी गाड़ी जो है आपको रेडी होके मिल जाती है। दोस्तों बाकी की डिटेल्स जानने के लिए उदय भाई के पास चलेंगे हम और उनसे ही पूछेंगे वो भाई कितने रुपए में लगा है और लोकेशन कहाँ है, ये आप अगर धुलवाना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे इस लोकेशन पे। तो चलते हैं। इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है। 12 लाख रुपए लगा के भी आप सोचिए दोस्तों, 12 लाख रुपए का जो ये पूरा सेटअप है, इसके बावजूद भी जो प्राइस है धुलाई का वो 250 से 300 रुपए। भाई कमाल कर दिया। अच्छा यहाँ इस छोटे शहर में सोचा नहीं कि 12 लाख रुपए लगा के यार आप क्या कर रहे हो, आएंगे या ये निकलेंगे वापस या नहीं निकलेंगे? भैया ऐसा है, ये हमारा छोटा शहर बेशक है लेकिन हमें दुनिया को देखते हुए अपने शहर को भी तो कुछ करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लानी पड़ेगी, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच रही है। हाँ। तो हमें भी अपने शहर को कहीं तो नाम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।